तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सासी की ओडिसी द फेट ऑफ अटलांटिस के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हमने सारे के सारे टाइट्रोस रिफ्ट्स को बंद कर दिया है और अब कोई भी प्रिजनर वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके बाद हमने तीन गार्डियन फॉलन्स भी ढूंढ लिए हैं नर्क के तीन द्वार के लिए और अब सिर्फ एक ही बचा है। उसके बाद हम मिले खैरॉन से और हमने उसकी कुछ लॉस्ट सोल्स की मदद की उनको सही जगह पहुँचाने में। तो अब बढ़ते हैं, हमें फिर से खैरॉन से मिलना है, उसके पास हमारे लिए कोई काम है। लेकिन उससे पहले हमें एक और गार्डियन फॉलन की लोकेशन पता चली है, तो पहले उसके पास चलते हैं और फिर जाएंगे खैरॉन से मिलने। यह है कौन सी जगह यार? यहाँ एक व्हील है। अबे क्या दिक्कत है इसे। चलो लगता है इसी के अंदर है अपना आखिरी गार्जियन, हॉल ऑफ मनाई। बूम, ओके तो वो रहा अपना। और एक कीपर इनसाइड भी है यहीं पे, इससे भारी लड़ाई होने वाली है। एक्लीस है, क्यों नहीं। Put down your weapons. Good night. Achilles, the underworld is in chaos. हाँ. Serve Hades. और क्या? Go to the gate. ये अपना आखिरी गार्डियन होगा। Prove it. अब Hades का काम तो हो जाएगा। हट जा। बूम, हेडशॉट, एक और हेडशॉट ले। कोई असर नहीं हुआ। आजा आजा, कैसा लगा? नाचते रह जाएगा बस ये। बूम, बस 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 आराम से जाने वाले। अबे कहाँ मार दिए? आ जा यहाँ यहाँ। सॉरी, शॉट। Achilles, Hades needs you. Go to the gates and guard them with your life. बिल्कुल, तो चारों गार्डियंस मिल गए हमें और उसे कर्स्ड स्पीयर भी मिल गया। द वन डिफीट ऑल द फॉलन, और जितने भी फॉलन थे इस गेम के सबको हरा दिया हमने। चलो एक कीपर इनसाइड है यहाँ पे, उसको लेते हैं और फिर चलते हैं खैरॉन से मिलने। तो ये रहा। Okay, सारे कीपर इनसाइड भी मिल गए हमें। गैदरिंग मोर स्ट्रेंथ, एरियाज लास्ट ब्रेथ, एरीज लास्ट ब्रेथ। चलो अब चलते हैं खैरॉन के पास। वेलकम टू द अंडरवर्ल्ड, क्वेस्ट कंप्लीटेड, मल्टीपल क्वेस्ट एक्सेप्टेड। ओके, पहुंच गया अपन। यहाँ हो क्या रहा है? लेकिन कियोस मचा हुआ है यहाँ पे, लोग इकट्ठा हो गए, नारेबाजी कर रहे हैं। What's going on here? A disaster. Can't I just have a normal day of ferrying the dead? पर हुआ क्या यहाँ पे? All of these souls have had their coins stolen. Assistant, you have to find the thief and get the coins back so the dead can cross the Styx. Why don't you just let them through? Yeah, I know you're new around here, but that's not really how we do things in the underworld. Besides, Hades would burn me one toe at a time if I did.
तो भाई इनके पैसे चोरी हो गए हैं और उसके बिना ये यहाँ से पास नहीं हो पाएंगे। Alright. तो हमें जो इनके पैसे चुरा रहे हैं उसे ढूंढना पड़ेगा। चलो। Why would anyone want to rob the dead? और क्या मरे हुए? The coins are used to pay me for passage across the Styx into the underworld. अच्छा। Do you suspect anyone here already? किसी पर शक? So many passed through, and honestly, you all look the same to me. Come on, think. सोच के बता अच्छे से। There was a merchant and a politician who acted strangely. They were the only ones not storming my dock. बहुत बढ़िया। तो एक व्यापारी और एक राजनेता, इनकी जोड़ी है यहाँ पे जो कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, एक्ट कर रही है, और इसे उन्हीं पे शक है। चलो। लो भाई, मुर्दों के भी जेब काटे जा रहे हैं, बताओ यहाँ पे उन्हें भी लूटा जा रहा है। तो हमें थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट द क्राइम सीन। तो ये वो जगह, यही हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। साला पर करे क्या, इससे पूछे। How am I supposed to find anything in this dirty, horrible wasteland? You must be looking for your stolen. ये सब अपने How do you know? Maybe you're the चोरी हुए पैसे ढूंढ रहे हैं। Admire their handiwork. I'm looking for the thief too, but I won't help with that attitude. Fine. I found nothing here myself anyway. Okay. You must remember when you last had your coins. Of course I remember. I was walking through the valley with the rest and struck up conversation with a merchant. So arrogant. Okay. Still wearing his jewels and gold. Won't do much for him here. When I reached the docks, they were gone. Okay, तो इसकी बात हुई थी एक व्यापारी से, और उसके बाद जब ये डॉक में पहुंचा तो इसके पैसे गायब। Did anything catch your attention? The merchant I spoke to seemed nervous. He asked if we really had to pay the ferryman. Okay, तो व्यापारी थोड़ा संदिग्ध है। Already stolen? I think I've got what I need. चलो। और भी है अभी। तो मर्चेंट पे जा रहे हैं सब। एक आदमी और है यहाँ पे। You don't look like the usual people I see passing through here. Lady, I'm not dead, if that's what you mean. I'm searching for something. Makes two of us. I'm looking for the coins I lost. इसके भी पैसे गायब हैं। They must be around here somewhere. Think of when you last had them. I remember wandering with the crowd of other people. We were all moving towards the dock. I don't remember where we came from, but as we reached this place, the crowd halted as a man, a politician I think, got up and addressed us. Okay. तो एक politician. Where were you when you realized your coins were missing? जो कि भाषण दे रहा था, वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। I was going to pay the ferryman when I discovered they were gone. और उसके बाद ही इनके पैसे गायब हुए हैं। Did you see anything strange during your travels? Only the politician. He was moving away from the docks while everyone else was moving toward them. चलो, तो ये पॉलिटिशियन भी डाउटफुल है। गुड लक इन योर सर्च। तो पॉलिटिशियन और एक व्यापारी, ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर इनके पैसे क्या कहते हैं चुरा रहे हैं। ये क्या है, ये भी है कुछ यहाँ पे। Empty coin purses. The strings have been cut. तो ये वो थैलियाँ हैं कॉइन्स की, जिन्हें काट के इनके मतलब जिस रस्सी से बंधे थे तो कमर पे उसको काट के निकाला गया। तो यहाँ कुछ है, एक डैगर जो महंगा दिख रहा है, और इसी से ही वो क्या कहते हैं कॉइन्स की थैलियाँ काटी होंगी। यहाँ कुछ है, must have been in a hurry. A gold bracelet, but it's broken. Must have snapped when its owner was digging. चलो, तो यहाँ एक गोल्डन ब्रेसलेट मिला है और वो भी टूटा हुआ। कोई यहाँ कुछ गाड़ रहा था, जल्दबाजी में उससे हुआ है ये काम। रिपोर्ट टू कैरन। तो पता चल गया हमें, एक पॉलिटिशियन और एक मर्चेंट
ये दोनों मिलकर इन लोगों को लूटे हैं। पॉलिटिशियन पहले उन लोगों को एड्रेस करता है, मतलब भाषण वगैरह देने के बहाने उनको एक जगह इकट्ठा करता है, और फिर जो मर्चेंट है वो अपने डैगर से आराम से उनकी थैलियों को काट लेता था, और ऐसे लूटा गया इन लोगों को। चलते हैं वापस खैरोन के पास। हट जा, पता चल गया हमें कौन है चोर। Finally, I was starting to worry you'd got lost. I didn't think your kind were capable of worrying. There are many things you don't know about us, like how impatient we are. Have you discovered who stole the coins? Yep, हमें पता है। Merchant, politician. Merchant. It was the merchant. He stole the coins. A greedy merchant. Typical. Come, let us deal with him and be done with this. Chalo. So you were the one who took the coins from these people. This is nonsense. No one should have to pay to enter the underworld. Spare me your platitudes. You stole because you're greedy. These people had nothing in life. They need nothing in death. Oh. If I can't okay. live a comfortable life, nobody should. Merchant. अब तो सड़ेगा ये यहाँ पे। हेडीज साला मरने के बाद भी चैन नहीं आया इनको, सुधरे नहीं है। Hades, so nice to see you. Whatever brings you to my shore? I could hear this ruckus from the bowels of Tartarus. What is happening here? चोरी और ऊपर से सीना चोरी। This man stole coins from the dead and then threw them into the river Styx. Mortals always seem to find new ways to surprise me. I'm glad you're finding this funny, but these people had coins for fair passage and now they don't. If they do not have coins, they cannot cross into my realm. That is the law. अरे भाई, they were sent here with the coins as law and tradition state. They deserve to be granted passage. Okay. Why don't we let our friend here decide their fate? इनको आगे जाने देना चाहिए, क्योंकि इनकी गलती नहीं है, गलती तो मर्चेंट की थी जो इनसे पैसे, इनके सिक्के चुरा कर नदी में फेंक देता था। These people were robbed of their chance for peace. They deserve passage. Well said, Alexios. They will be granted passage to the underworld. And what of him? Feed him to your hounds. कुत्तों को खिला दे अपने। I was hoping you'd say that. चला जा, इसका शिकार तो अब हाउंड्स करेंगे। जाओ और नीचे जा तू, अंडरवर्ल्ड के भी अंडर चले गया ये। Sometimes we have to make difficult choices. To be able to do so confidently is a rare trait in your kind. I've done it before. I'll have to do it again. For such a hopeless fleshling, you've come a long way. Now that Hades is gone, there's something you should have. Thank you, Aaron. It's a shame you have to go. You've been a good assistant. I hope you find the answers you seek. A note from Charon. Grateful. Gratitude का note दिया इसने हमें। काफी सारे काम किए हम इसके। सारे जितने भी lords south जो बताया था इसने, उनको हमने सही जगह पहुंचाया उनकी। तो अब समय आ गया है हेडिस से बात करने का फिर से, क्योंकि सारे टार्टरस रिफ्ट को बंद कर दिया हमने, सारे फॉलन को ख़त्म कर दिया है, और चार गार्जियंस भी हमने ढूंढ निकाले हैं उसके नर्क के द्वार के लिए। अब कुछ नहीं बचा है हमारे लिए यहाँ पे, तो अब चलते हैं हेडिस से मिलने। लो भाई, तो पहुँच गए अपन जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, इस अंडरवर्ल्ड की, इस ब्रिज पे। क्लियोन, ये तो क्लियोन है। तो हेडिस के सारे टास्क कर दिए हमने, अब इसने जो प्रॉमिस किया था हमसे, स्टाफ के बारे में हमें जानकारी देगा। Alexios returns. Victory written across his face. Where is your brother? Not here to settle. चाल ढाल से पता चल गया Alexios की।
कि वो विजेता बनकर ही लौटा है। Have their guardians. Haron's lost souls have found peace. Now tell me what you know about this stuff. I never promised you that. I promised to fulfill your destiny. Okay. The staff is my destiny. Mastering the staff is my destiny, and you're going to show me. You were never in a position to bargain with me. Oh, boy. Your life was mine. The moment you killed Cerberus, I could have had anyone. तो ये हमारी promise जो हमसे किया था वो नहीं करने वाला पूरी. पलट गया ये. I needed you to grow. अपना सारा काम करवा लिया हमसे. What are you talking about? Oh, did I not mention? I have a fifth gate, and you're going to spend the rest of eternity protecting it. अरे बाप रे, तो सेरेब्रस को मारने का ये बदला ले रहे हैं हमसे। पांचवा गेट भी है नर्क का, और ये चाहता कि हम उसके गार्डियन बने हमेशा के लिए, लेकिन हम ये करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। आजा। लोग उड़ने लग गए। अरे कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं। और को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। आ जा collect this. ले, एक लात में हिल गया ये। ओहो। अबे, फिर उड़ने लगा ये। और अरे यार बचा। एग्जीक्यूशनर और उसे क्राउन मिल गया हमें। अब बोल। I don't see what's funny. हंसते रहे अब। You act like any of this matters, but you're a prisoner wherever you are. इसने हमें यही कैद कर लिया है। अल्लाह का। एनिमस में ग्लिच। अ ट्रू रूलर डिथ्रोन द किंग। मशीन खराब हो गई लगता है। विक्टोरिया, व्हाट डिड यू डू? इसने हटा दिया। You guys okay down there? Cut the comms. This has gone way too far. Staff chill. I'm shutting this down. Staff इसके पास कैसे है? You're not acting like yourself. You're acting like a child. Look at you.
Can't you see what the staff is doing? Plugging into Themos' memories, letting you run rogue in the underworld? It's the bleeding effect. It's hurting you. You need to stop. जब तक ये लैला एनिमस में है तब तक उसकी हालत खराब होती जा रही है धीरे-धीरे करके और इस स्टाफ की शक्तियों से हो रहा है। लो भाई। Let go! It's not worth it. This is for your life. मार दिया क्या इसने? Get up, Victoria. मुझे नहीं लगता है इतने के बाद ये बची होगी। तो मार दिया लगता है इसने। The heir of memories would never do this. Do this? Do what? Victoria was my friend. ये जानबूझ कर नहीं किया हमने वैसे। हो गया हमसे। I need time. Time किसके लिए? You think I did this on purpose? It was the staff, Alethea. I'm not a bad person. I don't kill. The heir of memories and my vision had foresight. Your reaction was entirely human and inhumane. I fear you'll learn nothing from what I've created for you. I am the heir of memories. I can control the staff. Listen to me. I know I can do it. That is not for you to decide. I decide your worthiness. Though it may be too late for that. Fine. I'll go for a while. Just don't let anything happen to her, okay? And don't leave. Please. और फिर से वापस जाना पड़ेगा। एनिमस में इतने आगे आकर अब अपन क्विट नहीं कर सकते काफी आगे आ गए अपन विक्टोरिया को भी समझना था ये बात तो फिर से अच्छा बात करनी पड़ेगी क्या हमें इससे back so soon Alethea I know I wasn't gone long in the animus but I couldn't wait I've been thinking about whether or not I should let you continue अरे भाई क्यों I have my answer but I'm afraid you won't like it don't tell me I can't go into the third simulation I'm sorry सिमुलेशन में जाने से मना कर रही है हमको अभी And I factored you in when it was a mistake to do so. I see that clearly now. अरे It's time for you to leave Atlantis. You can't do this. बिल्कुल नहीं. Not और now. क्या? I've seen Elysium and the underworld. You can't take that away. If I'd known this reality would go the direction it did, you wouldn't have seen any of it. You're too human. Your DNA has succumbed to the corrupting nature of the staff. Listen, I know the bleeding effect is real, and accessing Themos's memory did affect me. But I've studied Isu artifacts. Themos ke memory mein hum jab gaye na tab thoda corruption aa gaya hai. My DNA will be able to overcome the staff's control. Perhaps. But you won't see that through. My simulations are closed to you. Are yaar nahi nahi nahi. Listen, Vision, I'm sorry. Kya kahe isse? Sorry keh dete hain. I'm really sorry, Alethea. For everything up until now. You had such high hopes for me. I did, yes, but that was my own fault. I should never have let you go down this path. No, that's the thing. You were right. You saw something in me that I'd be the one to bring balance. और क्या कुछ सोचा होगा तभी तो हमको चूज किया ना इसने और अब ये यहां रोक देगी हमको सब वेस्ट चला जाएगा but I can't and I have to keep going from her calculations Your body wouldn't be able to withstand the simulations. My body is fine. The staff kept Alexios alive for thousands of years. Immortal hai bhai apan. Jab tak staff hai hamare paas. You don't have the sense to see its degradation. When you break it down, the staff heals, Alethea. I could come out of this smarter, more in control. Invincible. That's quite a leap in logic. Just let me see for myself. Please. Go.
चलो मान गई। Oh my god, thank you. You won't regret this. Here we go. तो तीसरे सिमुलेशन। See you inside. एलिजियम हो गया, अंडरवर्ल्ड हो गया, अब नहीं पता कौन सा हो गया। ओके तो ठीक उसी समय में वापस ये मार रहा है किक, पोसाइडन आ गया। That's enough. इसने बचा लिया हेडिस को भी। No need to shout. This isn't your domain, brother. Hades has nothing left to offer you. You are never meant to stay here, nor Elysium. Okay. You didn't belong in Gephalonia, and you didn't belong in Sparta. तो कहाँ belong करते हैं अपन? I can offer you a place you do belong. It's time you finally found it. Atlantis awaits. अब बारी Atlantis में जाने की। Anywhere's better than here. हाँ, बिल्कुल। यहाँ से तो अच्छा ही है। I won't forget this. गया हेडिस, काफी बेइज्जती हुई है इसकी। रिफ्ट खुल गया इसके फिर से। No! अपने ही रिफ्ट में फंस गया ये। चाटा बाय बाय, निकलो यहां से जल्दी। ओके तो एलिजियम और अंडरवर्ल्ड के बाद अब फाइनली एटलांटिस में, पोसाइडन के रेल्म में। There's no need for that here. You're safe. I've heard that before. Or क्या? This place isn't like any other you've been. There's no Persephone, no Hades. But तू तो है. Just you. Just me. The Castis Vasilevs, the grand adjudicator of all Atlantis. But to you, I am Poseidon. What I'm offering you, keeper of the staff, is a place at my side. Join me as my Hegastis. तो हमें ऑफर दे रहे हैं, हम इसके साथ रह सकते हैं, दिकास्तिस बनके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओ भाई, ऊपर चढ़ना है क्या हमें? Welcome home. Home? Atlantis. वैसे हमारे पास है पोसाइडन का त्रिशूल। This place is the real Atlantis. I mean, it's intact. I thought this city was destroyed. Every 7 years, our great city begins a new cycle. If judged to be imperfect. तो हर साल में सिटी arrival. का साइकिल चलता है, बनना बिगड़ना। Now that I have you at my side, I intend for this cycle to last an eternity. और ये चाहता है कि वो साइकिल अब हमेशा के लिए चल रहे। If you're the Dicastis Vasilevs, you expect me to be the Dicastis, the judge. Be my hand in laying and enforcing judgment in Atlantis. ये तो ये हमको अपना राइट हैंड बनाना चाहते हैं। That I'm not always right. इसके बिहाफ पे हम फैसला ले सकते हैं यहाँ पे। Actions in the underworld. Fortunes were exchanged in response to your choices, but trust that I learned your reverence to justice is true. Hades must have told you about my staff. He didn't have to. As is the way with all heroes, your journey has become the stuff of Atlantean legend. Then you know my staff is the reason I'm here. I need to learn how to master it. This land is a paradise of power for those with Isu devices, but all in good time. तो सही समय आने पर हमें पता चल जाएगा अपने स्टाफ के बारे में, और वो यहीं पता चलेगा। So you expect me to live among you? A home among gods? Gods? We are much more than the human conception of gods. Your father called us the ones who came before. But as Alicia told you, we are the issue. तो यही है इशू। You know about my staff. Ancient civilization वाले। And Alicia? सबके बारे में जानता है। Very watched. Your trials in both Elysium and the underworld. No, your triumphs there are known to us. My trials forced me into rebellion. They made me face the dead. My hardships make me a good Dicastis. We don't always choose our path, but in this case, your blood shows for you.
You possess both DNA strands. The best of humans and Isu. I have no doubt that you are our mutual future. अरे हो गया भाई, अब क्या? I am up to the challenge. तो अपन तैयार हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए. It's an honor. Where do I start? शुरुआत कहाँ से करें? Humans have 5 senses to understand the world around them. We have been blessed a 6th. Knowledge. Oh no! It is not merely your vision of the equal. The essence of that sense sleeps now, but it can be awoken in Atlantis. Your stuff is more than a key. It's a bridge between who you are now and who you must become. तो हमारे स्टाफ सिर्फ एक की नहीं है, वो एक ब्रिज है हमारे पास्ट और हमारे फ्यूचर के बीच में. That and more. Come, let me show you. चला जाओ भाई. I accessed power sources in Elysium and the underworld. They helped my knowledge, I think. But they haven't changed my senses. की बात कर रहे हैं शायद. In Atlantis, you find the sources that awaken your new sense. Much more concentrated. Alright. Not only will your knowledge grow here, but it will thrive. हमारा knowledge जो रहेगा वो यहाँ से फलेगा ही नहीं, वो फूलेगा नहीं. Know them as keepers' insights. Keepers' insight ना यहाँ पे भी है. Doesn't look like anyone can get through. It's blocked to those who haven't full access to our knowledge. Find the source of the. एक cross है भाई यहाँ पे भी. बढ़िया. Try to pass through once you do. तो ईशु नॉलेज, तो हमें यहाँ तलाश होगी ईशु नॉलेज की. हमें चाहिए ईशु नॉलेज, या कहें ईशु की 6th सेंस. और वो हमें मिलेगी कीपर इनसाइट, ईशु डाटा कैसेस और किसी भी ईशु कोडेक्स के जरिए, या फिर किसी आर्टिफैक्ट जो भी हमें मिलेगा एटलांटिस में, सबको हमें कलेक्ट करना है. उससे हमारी नॉलेज लेवल बढ़ेगी, हमें टॉप करना है अपने नॉलेज लेवल को एकदम. मल्टीपल क्वेश्चन ऑब्टेन ईशु नॉलेज फ्रॉम द ईशु कोडेक्स. चलो तो पहला ऊपर चढ़ना है हमें, ईशु नॉलेज चाहिए, कोडेक्स ढूंढना पड़ेगा. हेलो लेला. एक सेकंड. व्हाट आर यू डूइंग इन हियर? यू नीडेड इंटरवेंशन. आई कुडंट स्टॉप यू फिजिकली, बट परहैप्स आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू टेक्निकल मींस. नो, आई हैव गॉट दिस. स्टे आउट ऑफ इट. थोड़ा देख के जाना पड़ेगा यहाँ पे. गिर एक सेकंड, पहले देख लेते कहाँ जाना है हमें. ओके, ऊपर जाना है. सरकते जा, सरकते जा, चढ़ जा, कूद, पकड़, बढ़िया, पहुंच गए. ड्यूटी तो हमें हमारी ड्यूटी बता रहे बताई गई है यहाँ पे. चलो तो हमें कुछ जजमेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे ईशु वगैरह से रिलेटेड. और जितने भी जजमेंट हम लेंगे वो सारे रिलेट करेंगे हमें हमारी इस जर्नी में यहाँ पे. टॉक टू पोसाइडन. ओके, तो ये एपिसोड 3 है ये. ओ बेहतर है न्यारी क्रॉस. यहाँ पे भी शायद है विंग्स ऑफ हर्मिस. Ubisoft presents. Judgment of Atlantis, episode 3, The Fate of Atlantis. Now I know what you meant about the sources being more concentrated. I feel different. Many things are different here, the Castiz. You'll discover that in time. Atlantis awaits you. I have one rule that is absolute. Our technology cannot be used on my human civilians. Their bodies cannot withstand the power. The Isu know this above all. So, जो भी टेक्नोलॉजी से उसे ह्यूमन सिविलियंस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है वो. Even Atlantis is not a perfect society. It yearns for balance. So be that balance. Then when your role as guide to the people is fulfilled, it may well be perfection. हमको बस यहाँ पर बैलेंस बना कर रखना है. You've already earned my respect, which is a trial in itself. अब ये कौन है? The Castiz. His Eminence Atlas humbly requests that you join him at his doma
to discuss a matter of grave importance. Right. I'll make sure to stop by. Yes, the staff of the Casus. This place has more kings than Sparta. तो काम आ गया हमारे पास, किसी एटलस नाम के आदमी से मिलना है हमें उसके डोमा में। ओह एक सेकंड, ये क्या है? रॉयल माउंटेन ऑफ पोसाइडन। चलते हैं देखते हैं पहले सब पोसाइडन। ओके डोमा ऑफ एटलस। ओके तो ये है एटलस, इसे क्या प्रॉब्लम हो गई है? Ah, you've arrived. I'm honored that the Castis would accept my humble request. Your Atlas, I take it? In the flesh. I thank you for coming to see me. I'm sure you're very busy. The burden my father gave you is not a light one. I am happy to help. Your messenger told me it was urgent. Gravely urgent, indeed. Well, here I am. It's my brothers, the Archons. They have issues with the human populations under their control. Tensions between Isu and humans are mounting. Without order, the problems will grow severe. I'll try to use my position to help them where I can. Find Hadiros, Amphilis, and Azeas. Through your shining example, I hope they learn the valuable lessons in discipline they so desperately need. And if I help them, you're hoping it'll maintain the peace between Isu and humans. That's the plan. Poseidon should have known they weren't ready for the responsibility an Archon bears. But that's his failing. Okay, तो इसका भाई है कोई Archon. उसने कहा है कि Isu और human के बीच में problem हो गई है. तो हमें उसे सुलझाना पड़ेगा. उसके लिए हमें तीन लोगों से मिलना है. Tell me about You'll find him near the arena, hard at work planning his next exhilarating spectacle, I'm sure. चलो ठीक है, ये अरीना में मिलेगा हमको. What should I know about Amphiris? He's probably off terrorizing people near the fortified Doma of Octonos. Make sure you don't sneak up on him. He's quite jumpy. चलो ठीक है, तो किसी डोमा में मिलेगा. What about Azaius? Who is he? You'll find dear Azaius wherever there is humanitarian work to be done. I heard there were some issues near the Doma of Amphiris. Doma of Amphiris ke pas. Aur iska bhai Archon. We have Archons where I'm from. Do they fulfill the same duties? They are charged with overseeing and ruling the humans of Atlantis, ensuring all live comfortably and peacefully, a job at which I fear they're failing. Okay, to Archons jo hain wo yeh sunishchit karte hain ki yahan jo humans aur Isu reh rahe hain wo theek se reh rahe hain ki nahi aur sab kaam sahi se kar rahe hain ki nahi. There always seems to be unrest between the two races. The underworld and Elysium were no different. Time passes and tensions keep building. I expected my father to handle it, but Atlantis grows steadily worse, and no one wants to see what could happen if precautions are not taken. Okay, तो अब चलना चाहिए हमें. I'll find the Archons and make sure their problems are taken care of. अब क्या हुआ? क्या पांव पड़ने क्या इसके? बर्डन ऑफ लीडरशिप, हेल्प द आर्कॉन्स ऑफ एटलांटिस, एजीस, एम्पियर्स ऑफ गैडीरोस। तो हमें तीन लोगों को ढूंढना पड़ेगा, इन तीनों की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ टेंशन बढ़ गया है इशू और ह्यूमंस के बीच में। और चलते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम मिलने जा रहे हैं एजीस से। वो शायद यहाँ का डॉक्टर वगैरह है, यहाँ कुछ सिकनेस फैली हुई है, तो वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें। एक आर्कोन है, फिजिशियन है वो। चलो इसको छोड़ो, बाद में देख लेंगे। ओ भाई बुरी हालत है यहाँ पे, काफी सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं, रोना धोना मचा हुआ है। What have I missed? What must I do? तो इसे समझ में नहीं आ रहा है, लगता है। You have your hands. इस बीमारी के बारे में। Because this, you're a welcome sight, the only one I've had in some time. So many sick.
I'm surprised anything can spread in a place as advanced as this. वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, यहाँ बीमारी फैल कैसे गई इतनी एडवांस जगह पे? Stop the pathogen spreading. I've lost so many already. काफी सारी कोशिश कर ली है इसने, बहुत सारे लोगों को खो दिया है और कुछ इलाज मिल ही नहीं रहा इससे. When did you first notice people were getting sick? At the start of this cycle. It began quite slowly and I didn't think much of it. But then the cases grew rapidly day by day. The more that fell sick, the faster the pathogen spread. तो बहुत धीमे से शुरुआत हुई थी लेकिन अचानक से काफी जल्दी ये बीमारी फैल गई. लोगों के बीमार होने से और ज्यादा फैलती गई ये बीमारी. You seem really worried. बहुत ज्यादा वो है. Have you ever seen a sickness like this before? No. There are many odd phenomena during this cycle. Plants dying, strange insects and animal attacks. I worry about what this could signify. पेड़ पौधे मर रहे हैं और जानवरों और कीड़ों मकोड़ों का प्रकोप आ गया यहाँ पे अलग ही तरीके का. We'll find a way to stop this sickness. कोई बात नहीं, अपन मिलकर रास्ता ढूंढेंगे और इस बीमारी को खत्म करेंगे. By a scientist named Consus. Its intention was to rapidly heal injuries and eradicate disease. Was? His device is missing. Scientists here have tried to replicate it based on the schematics, but it's still in the experimental phase, and it hasn't been tested on humans. So it may not work. That's not the biggest issue. Poseidon has outlawed the use of our technology on humans. किसी भी issue technology का human civilian पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये Poseidon ने law बना के रखा हुआ है. तो एक scientist है Consus नाम का, उसके पास था device लेकिन अब वो शायद चोरी हो गया है, उसे मिल नहीं रहे जो कि इस बीमारी को cure कर सकता था. और अब वो उसकी एक copy भी बना रहे हैं या replica कहें, पर उसके लिए इसे आदमियों पर test करना पड़ेगा जो कि यहाँ prohibited है. If you think this healing device can help the sick, then I'll make sure you have it. The wisdom of an issue, but the compassion of a human. You were a good choice for Digustis. You'll find the device in one of the issue laboratories, in the Consus archive. चलो तो हमें Consus archive में जाना है, वहाँ की लाइब्रेरी से वो डिवाइस रिट्रीव करना पड़ेगा. तो चलते हैं. तो द Consus archive पहुंच गए अपन. यहाँ से हमें वो डिवाइस रिट्रीव करनी पड़ेगी. The device as Ais wants must be inside. ओके, एक सेकंड, लोकेशन है. I don't want to be spotted here. चलो तो हो गए, चलते हैं. एक कैप्टन, एक डाटा कैश है, एक इंगोट भी है यहाँ पे कुछ, और दो ट्रेजर्स हैं. चलते आराम से स्लोली. गया एक बेचारा. चलो बढ़ो आगे. अबे जल्दी. होना ही था ये. आ जा ले. ओ भाई आ जा ले. एक सेकंड, फास्ट वाला निकाल यार. कैप्टन से ही पाला पड़ गया हमारा शुरुआत में ही. वो आ रहा है एक और. बहुत जाने वाले थे यार. आओ भाई उधर, वहां के लोगों को तो पता ही नहीं चला. अच्छा वो अपना डिवाइस, कोई बात नहीं उठाएंगे उसको. पहले लोकेशन कंप्लीट कर लेते हैं. ओके तो ये शायद कैश है, नहीं ट्रेजर है. ये होगा इशू डाटा कैश. What was in that box?
इशू नॉलेज बढ़ गया हमारा थोड़ा सा। There must be more of these. जितने सब लेना पड़ेगा हमें, अपने नॉलेज लेवल भी बढ़ाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे अबे चलो बढ़ो आगे। ये क्या है? कोडेक्स है, हिस्टोरियन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी नॉलेज का हिस्सा है। इन्हें भी हमें कलेक्ट करना है। चलो जल्दी क्या है ये तो? Okay. This metal is heavy. Here's a note. Metal record enclosed in that adamant code. Forge of Atlantis. Ooh. This can be used to create weapons. Oh ho, boy. I have to find this place. तो ये जो हमें एडम एक इंगोट मिला है वो वेपन बनाने के लिए यूज हो सकता है, तो हमें ऐसे और भी ज़्यादा ढूंढने पड़ेंगे। खैर वो हमें सब क्वेस्ट करते समय मिल जाएंगे इस वर्ल्ड में। लोकेशन तो कंप्लीट हो गई, डिवाइस ढूंढना है बस हमें। अच्छा अंदर जाना है हमें, ये हटेगा। भाई अटलांटिस के खुफिया कमरे, ये रहा। ये है क्या चीज यार? It's like nothing I've ever seen. चलो भाई ईसू डिवाइस, तो हमें जो डिवाइस चाहिए था वो मिल गया हमें। चलते वापस एजाइस के पास। ओके पहुंच गए अपन। चलो तो एजाइस को वो डिवाइस दे देते हैं, पर एक बात है इसे वो यूज नहीं कर पाएगा ह्यूमंस पे, क्योंकि पोसाइडन ने तो मना किया हुआ है। I've brought the glowing cloth you asked for. It's a nanotech matter regenerator, in fact, but you have it. I can't believe it. तो ये है वो नैनोटेक रीजेनरेटर। Now then, let's see what this thing can do. और ये तो नष्ट हो गया। What the fuck did you do? ये था क्या वाकई में? I thought I had calibrated correctly. Oh, ये रेडी नहीं है अभी। This poor human. The device doesn't work and you stole it against Poseidon's laws. What do we do now? लो भाई हमने नियम कानून तोड़ दिए पोसाइडन के। एक आदमी मारा गया बेचारा। Stop using the device. भाई मत कर ये डिवाइस को यूज। This device is dangerous. हाँ मत कर यूज इसे। Maybe Poseidon outlawed it for a reason. I don't think it should be used. कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। So hopeful, but you're right. This device isn't ready to be used on live subjects. All I've done is add to the pain and suffering. Some things can't be fixed with devices or intellect. वही तो। There are problems even the Isu can't solve. कुछ problems ऐसी हैं जो solve ही नहीं होती, कुछ सवालों के जवाब ही नहीं है। And make sure the victims are comfortable until the end. अपन बस अब इतना ही कर सकते हैं कि विक्टिम्स की देखभाल कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। और ये डिवाइस तो भूल जाओ भाई। मर गया बेचारे एक उड़ गया। That's one Archon helped. I hope they're not all this intense. चलो तो एक आर्कॉन का हेल्प तो कर दिया हमने, अब बाकी बचे हैं दो। तो ठीक है दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए रखते नहीं, तो हमने आज अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह कहें हेडीज को ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए, और हम पहुंच गए एक और नई रिल्म में, और वो है अटलांटिस पोसाइडन के साथ। और यहाँ पे हमने अपने काम शुरू कर दिया एज ए राइट हैंड डी कैटलिस्ट बनकर, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, और जो हो रहा है वो सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है कि नहीं यही देखना है हमें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अब फिर बढ़ाते हैं अटलांटिस में अपनी कहानी को आगे। तो तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।